जी तो दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें कार्ड मास्टर की ज़रूरत होगी और कोई एक दो ऐप्स की ज़रूरत होगी। एक कार्ड मास्टर और दूसरी एक और ऐप है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और कुछ PNG की ज़रूरत होगी। तमाम चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपने कार्ड मास्टर डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है और आपने क्रिएट आ जाना है इधर नीचे। ओपन करने के बाद आपने नीचे आना है ये वाले ऐप के ऊपर। ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपने ये डाउनलोड कर लेना और उसको कर लेना ओपन। तो जैसे ये ओपन होगी आपने वीडियो को स्टॉप कर देना। अब आपने क्या करना है, यहाँ प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको दाएं या बाएं तरफ कर देना, और मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद आपने अपनी कोई भी एक पिक सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इधर चले आना है इधर पर। इधर से आपने एक ये वाला कॉल मी डीजे और एक ये वाला स्वीट लाइन्स, ये आपने ये दोनों एक्सपोर्ट करने हैं। ये मैंने पहले किए हुए हैं, दिखा देता हूँ। ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है, आपने इधर ये काइंड मास्टर के ऊपर क्लिक करना है और कर देना ओके। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। ये हमारा काइंड मास्टर अब ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद हम ये देखें, आपका कनेक्शन नहीं है। चलो ठीक है, मैं अभी कनेक्शन लगा लेता हूँ। तो आपके पास वो कनेक्शन होना चाहिए, अभी फ़िलहाल मेरे पास कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। आपका जब डाटा ऑन होगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा फ़िलहाल डाटा ऑफ है, मैं दोबारा ऑफ कर देता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो उसके बाद आपने क्रिएट अ न्यूब के ऊपर क्लिक करना है, 9.16 पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने अपनी पिक सेलेक्ट कर लेनी है। तो पिक सेलेक्ट करने के लिए मैं अभी अपने फोल्डर में जाता हूँ, पिक वाले फोल्डर में, ये वाले। और उससे पहले आपने इधर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडिट वाले पे आना है, फिल स्क्रीन कर देना है और आपने इसको रख देना है तकरीबन इतना ढाई सेकेंड, ठीक है। और आपने इस तरीके से अपनी पिक को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी पिक्स हैं, और कर देना ओके। आपने कुछ इतनी पिक्स ले लेनी है अपनी। आपने दोबारा ऑडियो वाले ऑप्शन पर आना है और आपने वो वाला ऑडियो डाउनलोड कर लेना है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और आपने इधर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना और कर देना ओके। आपको तमाम चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आपने इस तरीके से इसको जूम कर लेना है, इधर आना है और इधर कैंची वाले ऑप्शन पे आके कट कर देना है। ये आपको यहाँ साउंड की बीट नज़र आ रही होगी कि यहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, तो आपने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इधर आना है जहाँ से बीट स्टार्ट हो रही है, कैंची वाले ऑप्शन पर आके कट कर देना है। दोस्तों ये वीडियो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप समझोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान है। इधर आना है, कट कर देना है। अब आपने इधर आ गया है, जहाँ जहाँ बीट आएगी हम उसे कट करते चले जाएंगे, ठीक है। वीडियो को अब इधर आएंगे, कट कर देंगे इधर। अब ये छोटी बीट है तो इधर आएंगे, इधर आके कट कर देंगे। अब आगे फिर बड़ी है, इधर आएंगे और फिर कट लगा देंगे। इस तरीके से आपने ना ये कट लगा लेने हैं। अब फिर ये छोटी है, तकरीबन ये आपका स्टेटस बन जाएगा। बहुत सी पिक लेकिन इसके लिए आपको चाहिए होगी। तो आपके अगर कोई पिक इस तरीके से है तो आपने उसको सीधा कर लेना है, पहले ओके कर देना है। फिर आपने इधर क्लिक करना है और इधर आके इसको डबल लाइन के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से जूम करके ओके कर देना है। तो मैं ये वाली डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने ये पहले ले लिया है। अब इधर दोबारा बीट आ रही है, कैंची वाले ऑप्शन पर आके कट कर देना है। अब बीट का एक लगातार सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर लास्ट कट लगाते हैं और इसको कट करते हैं। मैं वॉल्यूम दे देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, आपने जब इधर आना है, इधर आने के बाद ये फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आपने चेक कर, आपको मैं बता देता हूँ आपने कितनी पिक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये आप देख लें, इतनी पिक्स आपने लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पिक लेनी है आपने, पहले 10 सेकेंड के लिए। जब उसके बाद आपने इधर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आना है, एडिट पर आना है और टाइम को कर देना है 1 सेकेंड।
1 सेकंड तकरीबन, और कर देना ओके। ओके करने के बाद मीडिया पे आना है और आपने अपनी पिक सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इधर आऊँगा, इधर, और इधर से कुछ पिक ले लूँगा। तो कुछ पिक लेने के बाद ओके कर देना है। सिर्फ थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम है। तो इधर आपने सेलेक्ट करके इसको इस तरीके से छोटा कर लेना है, तकरीबन इतना। तकरीबन इतना आपने ना साउंड के साथ तो इसको ना इससे मैच कर लेना है। इतना इतना आपने ये कर लेने, क्रॉपिंग इसकी। अब आप देख सकते हैं कि एक ना बड़ी बीट है, तो इसको हम इधर लगा देंगे। इधर लगाने के बाद आपने अब क्या करना है, ये इसको इस तरह क्रॉप कर दें। अच्छा यार, ये इधर ही ठीक है। अब आपने इधर सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है, एडिट पे आना है, और इसको कर देना है तकरीबन इतना, कर देना ओके। अब आपने अपनी अनलिमिटेड पिक सेलेक्ट करनी है, और वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यार बीट है, बीट बनाना इतना ही है। तो आप भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी पिक्स। तो मैं जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझसे हो रही है, जहाँ क्लिक हो रहा है बस वही चलेगी। अच्छा दोस्तों, आपने इधर ही सिलेक्ट कर लेना है, और इसको अब तकरीबन हमारी मुकम्मल हो जाएगी। चलो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा हो गई। अब आपने वापस आ जाना है। वापस आने के बाद जहाँ से हमारी बीट स्टार्ट हो रही है, आपने इस तरीके से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद अब ये देखिए, हमारी बीट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे गैप है, तो इसको फोटो को हम इस तरह से बढ़ा देंगे तकरीबन इतना। अब आगे आएंगे तो यहाँ से फिर एक बीट के बाद फिर इस तरीके से, तो अब आगे आएंगे इधर। आपने दोस्तों सेम ऐसे ही कर लेना है, तो आप अपनी तरफ से भी यार कुछ इसकी एडजस्टमेंट कर लेना। तो ये बीट्स हमारे बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने पहले इफेक्ट डाउनलोड किए हैं वो लगा लेने हैं। आपने पहले पिक को छोड़ देना है, जो सेकंड नंबर वाली पिक है उसके ऊपर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक के ऊपर आना है, और कॉल मी डीजे जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया था वो लगा देना है, ये नंबर वन लगा देना है। फिर आपने इस तरीके से आगे आना है, फिर क्लिप ग्राफिक पे आना है, फिर ये स्वीट लाइन में से कोई एक लगा दें। इस तरीके से आपने ये बारी बारी सारे लगा लेने हैं। अगर मैं ये लगाता रहूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले इतनी वीडियो लंबी होगी, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको मैं बस तरीक़ेकार बताता रहूँगा। तो आपने ये लगा लेना है सारे के ऊपर। जब आप इधर आओगे तकरीबन इतना, जहाँ तक ये आपकी ना छोटी वीडियो, छोटी ये बीट्स नहीं स्टार्ट हो रही, यहाँ तक जब आप आ जाओगे, यहाँ जब जहाँ से ये छोटी वीडियो लगाए। अब ये देखिए, ये वाली जो वीडियो हमारे बीट में साउंड, इस पे भी आपने ये लगा लेना है, जो तकरीबन 0 सेकेंड तकरीबन कम है ना, तो उसके ऊपर आपने लगाना। ये जो छोटी छोटी हैं इनके ऊपर नहीं लगानी आपने, ये जो बड़ी लाइन है इनके ऊपर लगानी है, जो बीट्स के साथ मैच हो रही हैं। तो बाकी है कि यार साउंड मैंने ऑफ किया, कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से। तो आपने इधर एडजस्ट कर लेना। जब यहाँ आओगे लास्ट पे, लास्ट जो हमारे 5 या 10 सेकंड है, आपने इधर आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इमेज पे आना है। इमेज पे आने के बाद आपने एक वाइट कलर सेलेक्ट करके इसको इधर आना है, सेलेक्ट सेपरेट स्क्रीन के ऊपर, और इसको फुल स्क्रीन करके आपने वापस आ जाना है। ओवरऑल पे आना है, और इसको फ्लैकर वाला जो भी है ये लगा देना, और इसको इस तरीके से आगे बढ़ा देना है। मैं आपको यार बस मुद्दा समझा रहा हूँ। तो बाकी जो एक्स्ट्रा वो आप डिलीट कर सकते हो, जो बीट हमारी एक्स्ट्रा है ना, ये वीडियो फोटो एक्स्ट्रा, वो हम डिलीट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है,
और ये वाली फोटो सेलेक्ट कर, वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, और इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन करके वापस आना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और इसको कर देना स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद ये देखिए हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन के रेडी है, ठीक है इस तरीके से। दोस्तों उम्मीद है कि मुझे आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।